बिहार पूर्व कोपरी नाका में एक मामूली विवाद को लेकर सगे चाचा ने लोहे की रोड से अपने भाई व भतीजों पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत कोपरी नाका कोपरी गेस्ट हाउस के पास रहने वाले मोहम्मद फारूक इब्राहिम शाह के साथ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के मुद्दे को लेकर उसके सगे भाई शफीक इब्राहिम शाह, रसीदा शफीक शाह व साहिल शफीका शाह द्वारा लोहे की रोड से फारूक व उसके बेटे आबिद के सर पर और हाथ पैर पर वार किया गया, जिसमें घायल फारूक के सर पर 13 टाके आए तो वहीं आबिद के सर पर 11 टाके आए। ये कारण जगह के ऊपर से ये कारण है। मेन वो चाहता है कि हम लोग उधर नहीं रहे, हम लोग उधर से छोड़ के भाग जावे सब। हालांकि ये झगड़े रोज आए दिनों झगड़े फसाद करते रहता है, गाली गलौज उसकी औरत करते रहती है। इसकी वजह से मैं रूम लेके भाड़े पे ग्लोबल सिटी में रह रहा हूँ, भाड़े पे मेरा खुद का रूम रहते हुए मैं वहाँ ना रह के भाड़े पे रह रहा हूँ, ताकि झगड़ा ना कर पावे ये लोग। लेकिन आज रोजा रमजान महीना चालू है, रोजा रखा हुआ था मैं, जैसे रोजा खोल के मैं वहाँ पे गया, वैसे इसने पहले से मेरे लड़के से झगड़ा करके रखा था। तो मैंने पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों करता है, झगड़ा फसाद क्यों करता है, हम लोग भाई भाई आपस में क्यों ऐसा करता है? तो वो क्या बोलता है, भाई भी गया तेल लेने, इसको मेरे को ना आज ख़त्म ही करने का है। तो बाद में ना उसने सीधा ना बैट और डंडे से सीधा हमला कर दिया मेरे लड़के के ऊपर और मार के गिरा दिया उसको नीचे। और उसके बाद में मैं बीच में गया ना, तो इसका लड़का साहिल नाम है जो, वो और उसकी औरत रशीदा, ये दोनों ने मेरे ऊपर पीछे से हमला कर दिया और मेरा सर फोड़ दिया। मुझे 3 टाका आया है, मेरे लड़के को 11 टाका आया है, 13 टाका मुझे आया है, मेरे लड़के को 11 टाका आया हुआ है। ये सब होने के बावजूद में वो तो मारने के ही चक्कर में थे, जान से मारना चाहते थे, लेकिन इसके कुछ दोस्त यार वहाँ पे आ गए और वो टाइम पे लोग को पकड़ लिया, हम लोग वहाँ से भाग के सीधा चौकी में आ गए। वहीं झगड़े का वीडियो मोबाइल में ले रहे फारूक के बेटे रेहान वो उसके मित्र सुभ्रीतो को भी रोड से पीटा गया। आपका नाम? सुभ्रीतो देवनाथ। देवनाथ जी, आज जो घटना जो घटी है, आप वहाँ पर मौजूद थे? हाँ, मैं वहाँ पे मौजूद था। जो हुआ वो सब मेरे आंखों के सामने हुआ। मैं पूरे होशो आवाज में ये बोल रहा हूँ, ये पप्पू शाह ने जो भी किया बहुत गलत किया। उसके हाथ में रॉड था और उनके बेटे के हाथ में जो साहिल नाम है उनके हाथ में चौपड़ था। उसके पप्पा ने, पप्पू शाह ने अचानक में अभित शाह, अभित जो मेरा दोस्त है, उस पर सीधा उसने रॉड से वार करना चालू कर दिया, देना चालू कर दिया उसको। और जो साहिल, उसका वीडियो भी मैंने मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया हूँ, जो भी हुआ है पूरे मोबाइल में लाइव दिख रहा है। और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और बहुत बेरहमी से उसको मारा, अभी को मेरे मतलब दोस्त को बहुत बेरहमी से मारा है। आप अगर नहीं होते तो उनकी जान को खतरा। अगर मैं वो जगह पे नहीं होता, मैं उधर वो जगह से उसको बचा के नहीं लेके जाता, तो उसके जान को बहुत खतरा था। इसके लिए मैं वहाँ से उसको लेके चले गया, सीधा हॉस्पिटल में लेके आया। आपका नाम? जयमुनिशा। ये जो मार जो लगी है, आपके लड़के हैं और आपके हस्बैंड हैं, ये मारने वाला क्या आपके हस्बैंड का सगा भाई बताया जा रहा है? हाँ, सगा भाई है। आए दिन लड़ता है इन लोगों से। कारण क्या है लड़ाई? जगह जमीन की वजह से लड़ते रहता है। जगह जमीन की वजह से। इसकी शिकायत आपने विरार पुलिस स्टेशन में दी? हाँ, उसके पहले दो बार दे चुके हैं, एनसी है मेरे पास, कागज भी रखा हुआ है। शिकायत देने के बाद में उन्होंने जानलेवा हमला किया दोनों के ऊपर? हाँ, दोनों पे हमला किया। अभी फिलहाल में आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हमारे ऐसे ऐसे परिवार को तकलीफ हुआ है? हाँ। तो पुलिस की तरफ से क्या मतलब क्या कार्रवाई हुई है? नहीं, लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरे हस्बैंड और दोनों को मारे, मैं लोगों को बख्शूंगी, मैं माफ नहीं करूंगी। लोग मर्डर केस किए, लोग ने मेरे बच्चों को मारे, धमकी भी देती है, आए दिन धमकी देती रहती है, कौन इसका धमकी करेगा? हाँ, चक्कू से मारूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तू आएगी यहाँ पे तो देखो छोड़ूंगी नहीं मैं। घर पर आती तो मेरे को आए दिन मेरे से लड़ती रहती, गाली गलौज करती रहती है, मेरा आना ही बंद कर देती है। घर पर अपनी जा नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ, भाड़े पर लेके ग्लोबल सिटी में रहती हूँ मैं। फिलहाल घायलों का इलाज शुभम लाइफलाइन अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने हमले में इस्तेमाल लोहे की रोड बरामद की है। वहीं आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। विरार से तारिक शेख की एक रिपोर्ट।